वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बच्चों लड़कियों के लिए हेयर पिन है। हमारे जो ड्रेस सिलते हैं उसके मैचिंग का अगर हमें हेयर पिन क्लिप बनाना है तो इस तरह का डेकोरेटिव हेयर क्लिप घर पे बनाया जा सकता है, और वो भी बहुत छोटे से कपड़े में। ये मैंने 10x10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया। आप इस तरह से एक कपड़ा ले लीजिए और एक ले लीजिए 5x12 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने ये लिया है। अभी मैंने ट्रायंगल कर लिया है इस कपड़े को, और इसको मैं ट्रायंगल में सिल लूँगी। ये रेक्टेंगुलर कपड़ा है, इसके भी मैं चारों तरफ सिलाई कर लूँगी। और ये जो पिन है इसके ऊपर मैं ये रिबन लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस क्लिप को तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए जो है मैंने ये क्लिप लिया है, और इसके चारों तरफ मैं ये क्लिप के चारों तरफ रिबन लगा दी हूँ। इससे लगाने से बालों में ग्रिप अच्छी आ जाती है, डायरेक्ट मेटल भी टच नहीं होता है बॉडी से बच्चे के। तो इस तरह से ये हमने लगा दिया। अब हम ये कपड़ा ले रहे हैं और इसको हमने तीनों साइड से सिल लिया, और इसको सीधा कर लेंगे। दोनों कपड़ों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बीच में एक सिलाई लगा दी है दोनों में। तो इन दोनों को सिलाई को जब मैं खींचूँगी, मोटी बखिया करी है जिससे कि आसानी से वो खींच जाता है, तो ये गैदर्स बन जाएंगे, ये प्लेट्स बन जाएंगी, और इस तरह से दोनों को खींच लिया जाएगा और फिर टाइट करके बीच में इसको बांध देंगे। ये देखिए मैं इसी धागे से बल्कि बांध दे रही हूँ, टाइट कर दे रही हूँ। ये टाइट करने के बाद इसको सुई की में धागा डाल के और इसको सिलेंगे जिससे कि लूज ना हो। अभी तो हमने जस्ट ऐसे ही बांधा था, अभी हमने टाइट कर दिया। अब इसको हम इसके ऊपर रख कर टाइट कर देंगे। ये बांध दिया हमने और गांठ लगा देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर एक साटन रिबन लेंगे गोलाई के साइज़ का। अभी मैंने गोलाई के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है मेरा, तो वो मैं एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दूँगी, जो पूरी गोलाई में आ जाए बस इतना लेना है। और एंडिंग पार्ट दोनों के रिबन के सिलाई कर देनी है इस तरह से। पीछे जब अच्छे से सिल जाए लास्ट में गांठ लगा के थ्रेड कट कर देंगे, और जो पहले पिन बनाई थी अब इसके ऊपर हम चिपका देंगे। इसमें हम ग्लू गन लगा से वो लगा रहे हैं ग्लू, और हमने इसके ऊपर ही चिपका दिया। ये क्विक फिक्स से भी चिपकाया जा सकता है, और इस तरह से ये हमारा सुंदर सा क्लिप तैयार हो गया। तो अपनी ड्रेस के साथ का क्लिप आप भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।